देख भाई सुन रिव्यूज़ में आज हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म पगलैट का। रिव्यू पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं उमेश बिष्ट, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे हैं और अपना काम बखूबी निभा दिया है उन्होंने इस फिल्म। मेन कैरेक्टर फिल्म में सानिया मल्होत्रा का है, जिन्होंने अपने कंधे पर ही ये फिल्म पूरी उठाई है। हालांकि उनको अपनी पूरी टीम का बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी मिला है, क्योंकि सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। फिर हैं सयानी गुप्ता, शीबा चड्ढा, आशुतोष राणा, चेतन शर्मा, नताशा रस्तोगी, भूपेश पांड्या, आसिफ खान, रघुवीर यादव, यामिनी सिंह, जमील खान, राजेश तैलंग, अनन्या खरे, मेघना मलिक, जिनको लगभग वेस्ट किया गया है इस फिल्म में, श्रुति शर्मा, नकुल रोशन सहदेव, आश्लेषा ठाकुर, सचिन चौधरी और सरोज सिंह। आउटस्टैंडिंग एक्टिंग जिन्होंने की है रघुवीर यादव, आशुतोष राणा, उन्होंने शुरू में एक जो ग्रीविंग फादर का रोल पकड़ लिया उसको पूरी फिल्म में उन्होंने छोड़ा नहीं। फिल्म का म्यूजिक अरिजीत सिंह ने दिया है, जो कि काफ़ी फेमस सिंगर हैं, और म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, गाने फिल्म के साथ साथ ही चलते रहते हैं। पगलैट कहानी है शांति कुंज में रहने वाले परिवार की, जहां उनके जवान बेटे की मौत हो गई है। मृत्यु के दिन से 13वीं तक इन 13 दिनों में उस परिवार के सदस्यों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उनके विचार और मौत पर होने वाले सामाजिक हिंदू रीति रिवाज इस फिल्म में देखे जा सकते हैं। सानिया मल्होत्रा जो कि संध्या गिरी का रोल कर रही हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी शादी 5 महीने पहले ही हुई है, हस्बैंड से कोई अटैचमेंट नहीं है, इसी कारण उनको कुछ फील नहीं हो रहा। उनका पेप्सी पीने का मन कर रहा है, उनको बहुत भूख लग रही है, यहाँ तक कि वो बहाना करके गोलगप्पे भी खाने अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर भी काफी सारे प्रश्न उठाती है अलग अलग तरीके से। लड़की को बचपन से शादी के लिए तैयार किया जाता है, लड़का अच्छा है क्योंकि 70,000 कमाता है। बेमेल विवाह की त्रासदी उस समय दर्शकों के सामने आकर बड़े अच्छे तरीके से खड़ी हो जाती है, जब पत्नी संध्या अपने मरे हुए पति आस्तिक के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी प्रेमिका, उसकी लवर आकांक्षा से क्वेश्चन पूछती है। फिल्म में लेडीज के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो कि अलग अलग शेड्स को प्रस्तुत करते हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ ग्रीफ में हैं। संध्या है जो कि एक हाउसवाइफ है, एमए में हालांकि उन्होंने टॉप किया है, लेकिन उनकी मदर कहती है हमें पढ़ाया था कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो जाए। आकांक्षा जो कि उनके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी, वो जॉब कर रही हैं, लेकिन वो आस्तिक से इसीलिए शादी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसको अपोज किया। संध्या की माँ के माध्यम से पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा चांटा मारा है। ऊपर से देखने से लगता है कि कैसे बिहेव कर रही है, लड़की की माँ है, कभी उसको घर ले जाना चाहती है, कभी नहीं लेके जाना चाहती, उसकी रीमैरिज के लिए विरोध कर रही है। उनकी दो बेटियाँ अभी कुंवारी घर पे हैं, उनको प्रेशर है कि उनकी शादी कैसे होगी। फिल्म का जो अल्टीमेट थीम है वो अंत में डायरेक्टर ने संध्या के मुंह से ही कहलवा दिया है। लड़की लोग को अकल आती है ना, तो सब उन्हें पगलैट ही कहते। समस्या का निदान ही समस्या बनकर उभर आ गया है। जब संध्या कहती है कि मैं आस्तिक बनकर, आपका बेटा बनकर आपका ध्यान रखूंगी, तो ये प्रश्न दिमाग में अचानक से आ जाता है कि वो संध्या बनकर, बहू बनकर अपने सास ससुर का ध्यान क्यों नहीं रख सकती, या खुद अपने माँ बाप का ध्यान बेटी बनके क्यों नहीं रख सकती। बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटा बनना क्यों है। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो चेंज हो रहे। जैसे ताऊजी कहते हैं पीरियड्स पे बात करना गलत है, जबकि आजकल के बच्चे खुल के मूवी में उस बारे में बात करते हैं। हस्बैंड का डेथ हुई है तो वाइफ जरूर मांगलिक होगी, अगर किसी का हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया या किसी के बेबी नहीं हो रहा, इन सब में स्केपगोट सबसे पहले औरत को ही बनाया जाता है। एक समय अमीरी के नाम पर टाटा और बिरला का उदाहरण दिया जाता था, कब कब में वो अदानी और अंबानी बन गया, ये हम सब इस फिल्म में बड़े आराम से देख सकते हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी भी फिल्म में है। पूरी फिल्म में आस्तिक को ना तो उसकी कोई फोटो दिखाई गई है, ना ही किसी सीन में दिखाया गया है फ्लैशबैक में। आस्तिक इस फिल्म में होते हुए भी नहीं है। छोटे छोटे सीन्स की फॉर्मेशन के थ्रू डायरेक्टर अपनी पकड़ दिखाते हैं फिल्म के ऊपर। संध्या मतलब ट्रांजिशन टाइम्स, अभी ना रात हुई है ना अभी दिन है, आकांक्षा है, समबडी फॉर होम आस्तिक इज रियली लॉन्गिंग फॉर। और एक सीन बहुत अच्छा कंपोज किया है डायरेक्टर ने, जहाँ पर घड़े को फोड़ने की बात होती है। 13वीं के दिन पंडित जी कहते हैं अपने भाई को मुक्त कर दो, और छत पर खड़ी हुई संध्या उसको देख रही है। संध्या मूर्ति है और पीछे आकाश पर एक पक्षी उड़ता हुआ चला जाता है। खुली सोच का एज से कोई रिलेशन नहीं है। दादी काफी खुली सोच की हैं, ताऊजी जहाँ पे खुद को बड़ा ओपन माइंडेड बताते हैं, फिर भी उनकी सोच काफी पुरानी और सड़ी गली है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के अलावा
अगर इस फिल्म में सबसे ज्यादा किसी चीज का रेफरेंस बार बार आता है तो वो है रिलीजन। जैदी जो संध्या की सहेली है वो जब घर पर आती है तो उसका कप चाय का अलग से रखा जाता है, खाना खाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वहीं पर अली दवाखाना में बहू को अकेले भी भेजा जा सकता है। पाखंड के बारे में बार बार कहा गया है, संध्या की माँ उसे पुखराज पहनाती है और ये मानती है कि पुखराज पहनने की वजह से उसने एमए में टॉप किया है, उसकी नज़र उतारी जाती है। और ये तंज भी कसा जाता है कि जब गुरुजी सब ठीक कर देंगे तो हमारा कर्जा भी घर में दिया हुआ गुरुजी ही उतार दें। सबसे ज़्यादा मार्मिक सीन वो आता है जब अस्थि विसर्जन के लिए आस्तिक के पिता यानी आशुतोष राणा घाट पर जाते हैं और पंडे कैसे चील कौवों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। गंगा से पाप धुलवाने की बात तो बार बार की गई है, पूरी एक कहानी बड़े विस्तार से पंडित जी सुनाते हैं। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये फिल्म और हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार।